हाँ तो दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ट्रिकी मैन पर। तो गाइज, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप सभी बच्चों के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में आप लोगों के लिए यहाँ पे इंटर्नशिप रहने वाली है, लाइक कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी बहुत सारी फील्ड की यहाँ पे आप सभी बच्चों के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। साथ ही साथ यहां पे इस वीडियो में आप लोगों को इंटर्नशिप तो बताऊंगा ही कौन कौन सी फील्ड में कैसे आपको अप्लाई करना है, इस वीडियो में आप लोगों को इन इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी बता दूंगा जिन्हें आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को इंटर्नशिप में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरी इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करेंगे और अगर आपके पास वो स्किल पहले से होगी तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में कुछ फ्री कोर्सेज भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इन इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे। इस वीडियो को लाइक का टारगेट 2000 लाइक कर रखते हैं। आप लोगों को ही पता है लाइक से कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बट मोटिवेशन जरूर मिलती है मुझे आप लोगों के लिए इस टाइप की वीडियोस बनाने की। साथ ही साथ पहली बार अगर आप लोग आए हैं तो रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज में कैसे आपको अप्लाई करना है और कहां पे ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकली हुई है। तो सबसे पहले ये जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है वो गुरुजल सोसाइटी जो कि अंडर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुड़गांव के अंडर आता है, वहां पे ये इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए निकाली गई है। इस लॉकडाउन के टाइम में आप लोग इन इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोग इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे करियर पेज पे यहाँ पे ऑफिशियली ये इंटर्नशिप निकाली गई है पोजीशन इंटर्न के लिए। डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप है, जैसे मैंने बताया मीडिया, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। अभी प्रॉपर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इन इंटर्नशिप के बारे में, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है अप्लाई करने से पहले। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी, साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा जिसको अभी हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में। उससे पहले एक और अपडेट है आप लोगों के लिए, अनअकैडमी की तरफ से इंडिया का लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है गेट एग्जाम के लिए, अनअकैडमी नेविगेट, जिसको आप लोग बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप लोग बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जरूर देना चाहिए ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। 23 मई को ये लाइव होने वाला है टेस्ट, और अगर आपकी रैंक वगैरह अच्छी आती है तो आप लोगों को यहाँ पे 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे सभी ब्रांचेस के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, CSIT, सिविल, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सिलेबस भी आप लोग चेक कर पाएंगे यहीं पे क्या सिलेबस आप लोगों का आने वाला है। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट बनाया गया है वो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स ने स्कॉलरशिप टेस्ट बनाया गया है, यानी आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी चेक कर पाओगे स्कॉलरशिप टेस्ट को देखे कि कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है गेट एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसे फ्री में इनरोल कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप लोगों के लिए। कूपन कोड में आप लोग ट्रिकी मैन डालिएगा जिससे आप लोग फ्री में एनरोल कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में, प्रॉपर डिटेल के बारे में, कैसे क्या क्या किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है अगर आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी बीच आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हम लोग बात करें इस इंटर्नशिप के लिए तो यहां पे कोई भी अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएट स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। अभी डिग्री वाइज भी हम लोग बात करेंगे, अलग अलग डिग्री के स्टूडेंट अलग अलग इंटर्नशिप के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे 6 प्रोफाइल के लिए यहां पे इंटर्नशिप निकाली गई है, बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग इंटर्न, मीडिया कम्युनिकेशन इंटर्न, ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्न, कंटेंट राइटिंग इंटर्न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी प्लानिंग इंटर्न की बात करते हैं, तो यहां पे वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंस में मास्टर्स किया है, उनके पास ये स्किल्स है, वो सभी बच्चे यहाँ पे इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को एक कोर्स भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि फ्यूचर लर्न प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है, इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयरनेस। ये बेसिकली इन्वायरमेंटल से रिलेटेड ये कोर्स है, बिल्कुल फ्री कोर्स है, फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं। ज्वाइन कोर्स फॉर फ्री पे क्लिक करके आप लोग इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद सेकेंड इंटर्नशिप जो कि काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप मुझे लगी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंटर्नशिप। अगर आप बीए कर रहे हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन में या फिर किसी दूसरे फील्ड में भी आप लोग कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस इंटर्नशिप के लिए। यहां पे आपके गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए, ये स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोग यूडोनिक से ये कोर्स कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये कोर्स है जहां पे आपको बॉडी लैंग्वेज, टोनैलिटी, इंप्रेस अदर्स, इस टाइप से ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एनरोल नाउ के बटन पे आपको क्लिक करना है और आप लोगों को यहां पे वीडियो कंटेंट देखने को मिल जाएगा जिससे आप लोग अपनी स्किल बढ़ा सकते हैं अगर आप सेकंड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड इंटर्नशिप आती है ग्राफिक डिजाइनिंग इंटर्न।
अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है ग्राफिक डिजाइनिंग में या फिर आप लोगों को काफी अच्छी नॉलेज है ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स की, तो आप लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपको क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्किल्स आनी चाहिए, डिजाइनिंग अडोब फोटोशॉप के बारे में पता हो, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी हो। अगर नहीं है तो आप लोग थर्ड नंबर का कोर्स जो है कि ग्राफिक डिजाइनिंग विद फोटोशॉप, इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जो कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। इस कोर्स में आप लोगों को फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जैसे ही आप लोग इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी कोर्सेज का लिंक भी आपको दे दूंगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ नंबर की आप लोगों के लिए इंटर्नशिप की बात करें तो वो है कंटेंट राइटर इंटर्न। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं और आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश है आपके सारे सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी, अगर आप किसी दूसरी डिग्री से भी हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी सोशल मीडिया पे ब्लॉग राइटिंग की है तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक फ्री कोर्स भी बता देता हूँ जो कि कोर्सेरा की तरफ से है, गुड विद वर्ड्स राइटिंग एंड एडिटिंग स्पेशलाइजेशन। इस कोर्स में आप लोगों को सिखाया जाएगा एडिटिंग, राइटिंग, इन सब के बारे में आप लोगों को सिखाया जाएगा। हालांकि सर्टिफिकेट फ्री नहीं है, बट आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने को फ्री में दिया जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है, नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे दो इंटर्नशिप हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इंटर्न, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्निकल इंटर्न। तो यहाँ पे अलग अलग फील्ड के लिए ये इंटर्नशिप हो रहे हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये जो लोकेशन क्या होने वाली है इस इंटर्नशिप की, तो आप लोगों को यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिस मिनी सेक्रेटरिएट ऑफिस में जाके ये इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। हो सकता है अभी आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, थोड़ा मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, बट अभी के लिए यहाँ पे लोकेशन इन्होंने बताई हुई है। साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि हो सकता है वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी आप लोगों को दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस इंटर्नशिप में। हालांकि इस इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है, बट नॉलेज काफी अच्छी मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स होती है बहुत ही कम में आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाता है, बट आप लोगों को नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे जो आपकी इंटर्नशिप है वो 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक की रहने वाली है, वो आप लोग दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखा गया है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्क फ्रॉम होमवर्क प्रोविजन फॉर कम्युनिकेशन प्रोफाइल। जो कम्युनिकेशन प्रोफाइल्स है उनमें आप लोगों को ऑप्शन दिया जा सकता है वर्क फ्रॉम होम का भी, तो आप लोग वो कम्युनिकेशन जो मीडिया एंड कम्युनिकेशन इंटर्नशिप थी उसमें आप लोगों को ये ऑप्शन मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपका कोई एग्जाम नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट आपको एक फॉर्म फिल करना है, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा, तो आप लोगों को कोई एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्म है जो कि आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट आया तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग हमारे ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो मुझे, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे ये फॉर्म है जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्म है, जो कि कोई भी 2 मिनट में फिल कर सकता है। आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है अपनी, उसके बाद आपको अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफाइल, कौन सी प्रोफाइल के लिए आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 प्रोफाइल आप लोग आई थिंक सेलेक्ट नहीं कर सकते, 1 प्रोफाइल ही सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना CV अपलोड करना है। आपके जो CV है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस इंटर्नशिप में, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, लाइक आप लोग क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारे बेनिफिट्स आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद आप लोगों को सबमिट बटन पे क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। आपकी जो ईमेल आईडी आप लोगों ने दी है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बाकी का जो भी कम्युनिकेशन होता है वो आपकी मेल आईडी पर आप लोगों को बता दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। आई थिंक जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा उन्हीं को मेल रिसीव होगी, जिनका नहीं होगा उनको मेल रिसीव नहीं होती है। तो कोई बात नहीं है, आप लोग अप्लाई करें, अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, सीखें आप लोग फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से और अप्लाई करें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और नई अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर आप लोगों को हेल्प हुई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों का इस पैंडेमिक के टाइम पर फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।